आइए निर्णायक समिति के निर्देश अनुसार आप महाभारत की वो लड़ाई सुनने जा रहे हैं जो भयंकर संग्राम रात में हुआ। बड़े ज्ञानी यहां पर विद्यमान है, बड़ी अच्छी बात है। आज भजन प्रतियोगिता का यह नया मोड़ मिल रहा है। धन्य है उजाड़मल बाबा, धन्य हमारे पुजारी जी, और धन्य हमारे संचालक शीतल भैया और सारी आयोजक समिति। ऐसा दिशा निर्देश पहली बार और ऐसे भजन आप श्रवण करने जा रहे हैं। द्रोण पर्व 14वें दिन की वो रात कौरवों की ओर से सेनापति द्रोणाचार्य और पांडवों की ओर से सेनापति दृष्टद्युम्न महाघोर संग्राम, राक्षसों की प्रबल शक्तियां विद्यमान, माया रचाई गई, भयंकर युद्ध हो रहा है। कई योद्धा मारे गए, जो बचे वो भी मारे जाएंगे। आपके समक्ष सोमदत्त और सत्य की संग्राम में आपको सुनाने जा रहा हूं। पृष्ठ नंबर 796 दोनों ओर से घोर संग्राम। सत्य की ने देखा कि सोमदत्त अपने धनुष की टंकार कर रहा है। अपने सारथी को कहा कि चलो मुझे सोमदत्त के सामने लेकर चलो। क्या बात है, आज देखिए सोमदत्त के सामने सात्यकी खड़े हैं और वही लड़ाई आप श्रवण करने जा रहे हैं। पूछा गया कि ये युद्ध रात में क्यों हुआ। अपने बुद्धि विवेक से जो मैंने कुछ पढ़ा है, इसको धर्म युद्ध नाम दिया गया, लेकिन पीवर अधर्म था। नियम कानून बनाए गए सारे टूटते चले गए। अभिमन्यु को घेर कर छल से मारा और उसका बदला लेने के लिए जो कसम खाई अर्जुन ने, जयद्रथ को मारा वो भी छल से मारा, इसलिए युद्ध बंद ही नहीं हुआ। उस रात भी चलता रहा। तो आइए आप श्रवण करेंगे सोमदत्त सात्यकी संग्राम। क्या बात है, तुम अधर्म
शेर सुनेंगे। मंजिल ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, मिलेंगी परिंदों को भी मंजिल ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वही लोग चुप रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वाह वाह हम दूर से ही प्यार तो हम बहुत दूर से पहचान लेते हैं और तबीयत घबराती नहीं दुश्मन के सामने आने से। राबत मैदान में वही करते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। क्या कहने लगे कि इस मैदान में मैं खड़ा हूं और जो भी आज मेरे सामने आएगा वो बेमौत मारा जाएगा। क्या बात है। सत्य की कहते हैं सोमनाथ से। क्या हारमोनियम का बढ़ा दो, इसको कम मत करो प्लीज। जानकार लोग बैठे हैं संगीत के। मैं तो हवा हूं किस कदर पहरे लगाओगे। क्या बात है भैया। आप वीर रस के रूप में सुनने जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। साथी की कहते हैं क्या मैं तो क्या बात है भैया मैं तो खड़ा हूं अब समर कैसे हराओगे यारे अरे मैं तो खड़ा हूं अब समर कैसे हराओगे मैं तो खड़ा हूं अब समर यारे के
देमो की मरोगे लड़ न पाओगे सत्य की सौंदर्य कहते हैं क्या और जाके सीधे सात्यकी की छाती में धस गए। देखिए क्या हुआ। सीधे छाती में लगे लहू लुहान हो गए सात्यकी। सोमदत्त कहने लगे क्या क्या भूमि है मरता और कुछ दिल ना जाना लो ये भूमि है मरता लो ने भी कई बाण चलाए और सोमदत्त को बीन दिया। देखिए क्या हुआ।
ये भूमि हमार देखिए सोमपत्र ने एक अर्धचंद्रकार बाण मारकर सातकी के धनुष को काट दिया और फिर 25 बाण चलाकर और उसके बाद फिर 10 बाण सातकी को मारे। सातकी बेहाल हेलो जिसे होते हैं। देखिए क्या हुआ, तब सातकी कहने लगे क्या को जीतने वाला, ओ समन को जीतने वाला अभी हुआ। सोमपत्र ने 25 बाण पुनः मारे। सातकी ने उसके जवाब में सोमदत्त के चारों घोड़ों को और सारथी को फल से मार दिया। और देखिए क्या कहते हैं सातकी, लगी है
लगी है आग मेरे सीने छाती पर मारा और कहने लगे क्या समान बाण मारा अग्नि से प्रज्वलित आज सोमदत्त की छाती में लगा सोमदत्त के वही प्राण अंत हो गए। यही कथा का अंजाम। लगी है आग मेरे सीने